और यहाँ पे रहते हैं खुद और नीचे जानवरों के लिए, लेकिन अभी अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय इनके यूज़ हुआ सामान पड़ा है। ये देखें, खाली अंदर से। और ये वॉशरूम है इनका, छोटा सा पत्थरों का। तो 11:30 पे मैंने तकरीबन बड़कुंडी को अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। उसके बाद आप इंशाल्लाह हमारा सफ़र बाबू से टाव की तरफ है, और मुझे बड़कुंडी से निकले हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है ना, सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाबू से टाव पे सुना है कि टम्परेचर जो है वो -1 के अंदर है, और तकरीबन 2-3 दिन से वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। अब ये तो वहाँ जा कर पता चलेगा, और हम देखेंगे कि हमने रात को जो स्टे करना है वो बाबू से ड्राप पे पर है या फिर वो नीचे जलास पे। ये तो वहाँ जा कर डिसाइड होगा। और यहाँ पे जाना ऑक्सीजन की कमी है, और यहाँ पे बाइक जो मिसिंग कर रही है, लेकिन जब ऊपर जाएंगे बाबू से ड्राप पे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाइट है, तो वहाँ पर पता नहीं क्या सीन होता है। और ये यहाँ पे देखिए भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है रोड के ऊपर, तो किसी जगह के ऊपर काम फाइनल है और किसी जगह ऊपर वो काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न तक ये फाइनल हो जाएगा, यानी कि 2021। पहाड़ों से आ रहा है पानी, ये देखें जी, अभी इसको क्रॉस करना है। और कोशिश करेंगे कि जूते और कपड़े गीले ना हो, क्योंकि अगर गीले हो गए तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। और इस तरफ से आ रहा है ये पानी पहाड़ों से, और वहाँ भी बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो ऐसे करते हैं कि ट्राउज़र को ऊपर करते हैं और चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर कोई गाड़ी आ गई तो गाड़ी वाला बड़े स्पीड के साथ यहाँ से गुजरेगा, तो वो हमें भी गीला करेगा। यहाँ से ऐसा ऐसा गुजर जाते हैं। बच गए। बच गए हैं जी। Thank you.
तो ये देखें, जब आप बाउसर टॉप पे जाते हैं तो इस तरह के बच्चे आपको मिलते हैं रास्ते के अंदर, तो आप इनसे कोई ना कुछ लाजमी ख़रीद लिया करें क्योंकि इनका यही रोज़गार होता है। तो अच्छा, कितने अंडे हैं बेटा आपके पास? इसके पास नहीं, आपके पास कितने हैं? ग्यारह। आपके पास दो। आपके पास? आपके पास? आपके पास नहीं, आपके पास? आपके पास एक। मेरे ख्याल में इससे ख़रीद लेना चाहिए, आखिरी अंडा है और ये घर जाए टाइम से, है ना? ऐसे है ना, आपसे लेना चाहिए ना, आपसे ले लेना चाहिए ना एक अंडा, क्योंकि आखिरी अंडा, इसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो गए, घर चले जाएंगे। चलो ऐसे करते हैं, मुट्ठा लगाते हैं टोटल का, बताओ कितने लेने हैं? हाँ सभी के जितने आपके पास हैं, कितने लें? 25 और 5 30। हाँ जी, कितने हो गए? 30 अंडों के। 30 अंडे को 20 अंडे का हो गया 700। तो बाबू सर टॉप पे अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, तो रास्ते के अंदर इस तरह के आपको छोटे छोटे वाटरफॉल भी मिलते हैं। तो ये देखो ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ों से, और ये माशाल्लाह व्यू देखें आप। तो यहाँ से अभी एक घंटा और लग जाएगा हमें बाबूसर टॉप तक। बाइक को अभी यहाँ पे रेस्ट दिया है ताकि वो थोड़ी देर ठंडी हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ जाते हैं। ये भाइयाँ यहाँ पे क्या चीज़ लोड कर रहे हैं, पूछते हैं जी इनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? इनके अंदर क्या चीज़ है थैले के अंदर? ये रेत है। वो खास रेत है ये मकान गंदी। इसके अंदर रेत और ये पत्थर मिक्स है, ऐसे ही है ना? मिक्स है, मिक्स है। सही, इसके अंदर सीमेंट भी डालेंगे? हाँ सीमेंट भी डालेंगे। सही, सीमेंट डाल के मकान के साथ आएगा। ये कौन सी जगह है? ये जलखड़। जलखड़ तो आगे नहीं, थोड़ा सा थोड़ा जलखड़ से पीछे। अच्छा, यानी कि यहाँ से जलखड़ वो स्टार्ट हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। और बाजार आगे जलखड़ का? आगे आगे के जलखड़ का स्टाफ आ गया है जो से भी आ गया। जा रहा है जी रास्ता नूरी टॉप को। अगर आप नूरी टॉप जाना चाहते हैं तो आपको वो पीछे बाजार से रास्ता मिलेगा। ये जो रास्ता सीधा जा रहा है, ये पुल क्रॉस करें, उसके बाद ये सीधा नूरी टॉप, और नूरी टॉप से फिर आगे कश्मीर के अंदर आप दाखिल हो जाएंगे। और वो नीचे प्याला झील, छोटी सी झील है वो, है जी प्याला झील। ये भी रास्ते के अंदर आती है, तो जब आप जलखड़ से थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये रास्ते में आपको मिलेगी, ये सामने, और नीचे दरिया का पानी। और इस टाइम जो है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। ये व्यू माशाल्लाह चेक करें जी। तो ये आपके ख्याल से कौन सी जगह होगी? वहाँ पे घोड़े जो है घास चल रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना घास का कलर वो जो है ना ग्रीन ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे खजान स्टार्ट हो गई है। तो जब बाउस और टॉप से जाते हैं तो उससे पहले आते हैं। और इस तरफ देखें माशाल्लाह, और ये रोड आ रहा है पीछे नहरान वाली साइड से, भी आपको बताता हूँ कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। और यहाँ पे आके सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये है जी।
बेसल, हम बेसल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से थोड़ा ही फासला रह गया है और आगे बेसल बाज़ार है और यहाँ पे आके सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। चलते हैं जी आगे। बेसर, पता नहीं ये बेसर रफा था या बेसल है। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे लुलूसर झील है और यहाँ से बाबूसर टॉप वो 20 किलोमीटर रह गया है। पढ़ लें लुलूसर झील, ये देख लें जी काले नज़ारे लुलूसर के। ये है जी लुलूसर झील। साइडों पे मुझे जो पहाड़, अभी तो खुशी है कि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है और पानी भी इसके अंदर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है। ये देख लें माशाल्लाह। और इस टाइम यहाँ पे सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ऊपर बादल भी आ गए हैं, तो अभी हमने यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकना, आगे जाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे रुकते हैं तो अगर बारिश आ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे जाना। तो चलते हैं जी आगे। ये नज़ारा चेक कीजिए जी, पीछे वहाँ पे साया था और यहाँ पे मुझे धूप नज़र आई, मैंने यहाँ पे स्टॉप किया है और हाथ मेरे ऐसे हो गए जैसे इनके अंदर खून जम गया हो, इतनी सर्दी यहाँ पे, और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए। ये ले यहाँ से धूप ख़त्म हो गई क्योंकि वो बादल जो हैं वो सूरज के सामने आ गए हैं। और ये व्यू चेक कीजिए माशाल्लाह। अभी नीचे जाते हैं और यहाँ पे आने का जो सही टाइम है ना वो में जून जुलाई और अगस्त वो सबसे बेस्ट है, इसके बाद यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा सर्दी है जी। ये देखें घास, ये माशाल्लाह देखें क्या नज़ारा है जी। और यहाँ से मुसलसल चढ़ाई जा रही है जी ऊपर की तरफ, और मैंने बाइक का जो फर्स्ट गियर लगाया हुआ है, दूसरे के अंदर मोटरसाइकिल नहीं चलती क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखें अगर जून जुलाई के अंदर आए फिर तो ये आपको मुकम्मल ग्रीन मिलेगा। बस बाबू सटा बिल्कुल नज़दीक ही है जी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो बाबूसर टॉप यहाँ से नज़दीक ही है और यहाँ पे सर्दी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये देखें यहाँ पे मकानात जो है ना वो मुकम्मल तौर पर पत्थरों से बनाए गए हैं। ये देखें, लेकिन अभी ये लोग यहाँ से चले गए हैं, ये मेरे ख्याल में यहाँ पे जानवर वगैरह इसके अंदर, लेकिन इस टाइम कोई चीज़ नहीं है, जानवर लेके वो नीचे चले ही गए हैं। ये देखें मुकम्मल तौर पर पत्थरों से बनाए गए हैं और वो ऊपर ये सारे पत्थर ही पत्थर हैं। और ये देखें,
और ऊपर छत के ऊपर मिट्टी डाली हुई है। तो ये इस तरफ भी हैं और वो उस तरफ भी हैं, ये सारे पत्थरों से बनाए गए हैं। ये देखें, लेकिन अभी ये लोग नीचे जा चुके हैं। और ये यहाँ पे रहते हैं खुद और नीचे जानवरों के लिए, लेकिन अभी अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय इनके यूज़ हुआ सामान पड़ा है। ये देखें खाली अंदर से, और इस तरफ भी है। ये यहाँ पे जानवर और यहाँ पे ये खुद लोग रहते हैं। और ये वॉशरूम है इनका छोटा सा पत्थरों का। और ये देखें अंदर, तो मुझे डर लग रहा है अंदर सांप वगैरह ही ना हो। ये देखने यहाँ से, मुकम्मल जो है ना पत्थर ही पत्थर लगाए गए हैं। तो अभी चलते हैं नीचे। और वो सामने अपना शेरू खड़ा है। बस आ रहा हूँ शेरू, रुक जाओ, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके पास ही हूँ। वो बेचारा अकेला खड़ा है शेरू मेरा, तो वो टेंशन ले गया था कि अदनान भाई पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं। बस आ रहा हूँ एक मिनट। और इस तरफ ये भी देखें, ये भी मुकम्मल पत्थरों से बनाए गए हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से मुकम्मल तौर पे जा चुके हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम बर्फ़बारी स्टार्ट हो सकती है। और बाबू सरटाव वो नज़दीक ही यहाँ से। और ये व्यू माशाल्लाह देखें आप, ये लें जी, जिसका इंतज़ार था वहाँ पर पहुँच गए जी। बाबू सर टॉप, और इस टाइम यहाँ पे चल रही है बहुत ही तेज़ हवा। वो इस तरफ है जो धर्म झील, वहाँ पे जा सकते हैं। और एक झील इस तरफ है, उसका क्या नाम है? वो काली झील, काली झील। और इस टाइम यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि मुझसे बातें भी नहीं हो रही। और नीचे आप व्यू देखें माशाल्लाह। और ये नीचे दरिया का पानी है, क्या नाम है दरिया का? अच्छा। और ये नीचे ये पानी जो आ रहा है ये तरह झील वाली साइड से आ रहा है। और माशाल्लाह आप ये व्यू देखें जी, ये बाबूसर टॉप है जी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पे। Without coffee.